अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 65 और टॉपिक है हमारा पोलिनेशन। तो क्लास, पोलिनेशन जो है ये बेसिकली आपने पीछे भी मैंने आपको जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी तो वहां पर आपको डेफिनेशन बताई थी। पोलिनेशन क्या है बेसिकली कि जो प्लांट्स का मेल पोर्शन होता है जिसको स्टैमन कहते हैं, उसका ऊपर वाला पोर्शन एंथर कहलाता है। एंथर में हमने पढ़ा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट यानी कि जो हमारे पास कार्पल है उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को कैच करता है। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्लास इसको कहते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन जो है ये दो तरह की होती है, एक सेल्फ पोलिनेशन होती है, एक क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम टाइप को डिस्कस करते हैं। पोलिनेशन क्या है क्लास? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना ये कहलाता है पोलिनेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, नंबर वन सेल्फ पोलिनेशन एंड नंबर टू क्रॉस पोलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन ये है कि प्लांट एक है और उसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं बहुत सारे, तो अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएं तो इसको भी पोलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही प्लांट के एक फूल के पोलन ग्रेन्स यानी एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल, प्लांट सेम है, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं अगर, तो इसको भी कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, प्लांट अगर सेम रहे तो उसको पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को जो है स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पर, इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब अगर डेफिनेशन देखें क्लास, तो क्या है हमारे पास? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर आर अदर फ्लावर। सेम फ्लावर, यस, अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। समझ आ गई? उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन को अगर हम डायग्राम से देखें तो क्लास मेरे पास ये एक प्लांट है और प्लांट जो है इसको मैं प्लांट नंबर वन कहता हूं। अब प्लांट एक है, इसके ऊपर अगर एक फूल है उसके एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हूं तो इसको भी क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही प्लांट के इस यानी ये एंथर है ना, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़कर या किसी भी तरीके से दूसरे फ्लावर पर, प्लांट सेम दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाए तो इसको भी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया? अब क्रॉस पोलिनेशन क्या है क्लास? क्रॉस पोलिनेशन ये है कि पोलन ग्रेन्स का एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना, इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और इसमें स्पीशी जो है वो सेम हो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्लास। इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ एनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। अगर स्पीशी सेम हो तो उसके ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि इसमें प्लांट दो हो रहे हैं। डायग्राम में अगर देखें तो क्लास ये हमारे मिसाल के तौर पर हमारे पास प्लांट नंबर वन है और ये प्लांट नंबर टू है। अब प्लांट नंबर वन के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स, मिसाल के तौर पर ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये चले जाएं दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक हो गया? अब क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो गया और इसमें स्पीशी जो है वो सेम होगी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है जी, क्रॉस पोलिनेशन इज अबाउट बाय किसके जरिए जो है वो वाटर के जरिए, बीज इंसेक्ट के जरिए, बैट्स के जरिए या अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन, इनके जरिए जो है वो क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। अब हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन के बाद नेक्स्ट है जी, अडॉप्टेशंस ऑफ इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर। ये आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा क्लास।
तो ये जो हमारे पास है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और विंड पोलिनेटेड, यानी जो पोलिनेशन जिनके अंदर इंसेक्ट के जरिए होती है, उसमें कौन कौन सी अडाप्टेशन है, और वो फ्लावर्स जिनके अंदर पोलिनेशन हवा के जरिए होती है उनके अंदर क्या क्या अडाप्टेशन है। तो ये टेबल आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन ये मोस्टली कम आता है लेकिन आप इसको याद जरूर करेंगे। तो क्लास फीचर की बात करें तो पहला हमारे पास दिया गया साइज, यानी जो फ्लावर इंसेक्ट पोलिनेटेड करते हैं और जो विंड पोलिनेट करते हैं उनमें साइज में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लास जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो साइज में थोड़े से स्मॉल होते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट कलर की बात करें तो क्लास जो कलर होता है, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका कलर ब्राइटली होता है ताकि इंसेक्ट बर्ड्स बैट्स वो अट्रैक्ट हों, और जब अट्रैक्ट होंगे तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के ऊपर अटैच हो जाएंगे और इसके जरिए वो अपने आसानी से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से सिग्मा पर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कलर्स की करें तो ये ब्राइटली कलर होंगे, और जबकि जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो डल कलर या ग्रीन कलर के मोस्टली हो सकते हैं। पेटल्स आर ग्रीन आर डल इन कलर, तो ये याद रखें पेटल्स भी ग्रीन हो सकते हैं अगर विंड पोलिनेटेड फ्लावर हो तो। नेक्स्ट है जी नेक्टर। नेक्टर बेसिकली द जूसी मटेरियल विच इज रिलीज इन द पेटल्स विच इज विच बाय फार द इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड, ताकि वो नेक्टर को जो जूसी मटेरियल है उसको सक कर सके और न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स जो अपनी बॉडी की होती है उसको पूरे कर सके। तो क्लास जब नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं, अब नेक्टर प्रोड्यूस होगा तो इंसेक्ट आएंगे ना, तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके जो पेटल्स होंगे वो ब्राइटली कलर और प्लस उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, नेक्टर प्रोड्यूस होगा। उस नेक्टर को जो है वो सक करने के लिए उसको यानी कि उसको अकमुलेट करने के लिए वो आएंगे, और दूसरे विंड पोलिनेटेड फ्लावर उसमें नेक्टर की जरूरत ही नहीं है तो नेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। नेक्टर की बात करें तो प्रोड्यूस नेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। एंड नेक्टर क्या है, जूसी मटेरियल। नेक्स्ट है जी फ्लोरल अरेंजमेंट। क्लास जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो कैसे होती है, फ्लावर्स आर फेस अपवर्ड, फिर अपवर्ड फेस करेंगे क्यों, ताकि इंसेक्ट आकर बैठे और आसानी से वो अपने पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के ऊपर अटैच करवा सके। जबकि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनका उनकी जो डायरेक्शन होती है फ्लावर की वो डाउनवर्ड होती है, क्यों, ताकि आसानी से पोलन ग्रेन बनने के बाद हवा के जरिए एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। तो क्या होंगे, फेस अपवर्ड एंड द विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स क्या करेंगे, ये हमारे पास डाउनवर्ड फॉर इजी शेकिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। अच्छा नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, स्टैमेंस एंड स्टिग्मा। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके स्टेमन्स और स्टिग्मा जो है वो यानी कि मेल और फीमेल पार्ट्स पेटल्स और सेपल्स के जरिए इनक्लोज्ड होते हैं, जबकि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके जो स्टेमन्स और स्टिग्मा होते हैं वो ओपन होते हैं ताकि आसानी से पोलन ग्रेन्स हवा में चले जाए। उसके बाद है जी हमारे पास स्टेमन स्टिग्मा की बात करें तो इनक्लोज इन साइड रिंग हैंग आउट इन द रिंग ऑफ पेटल्स। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन्स। क्लास पोलन ग्रेन्स की बात करें तो अब जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं एक पोलन ग्रेन यानी एंथर से सिग्मा पर ट्रांसफर होने के, जबकि क्लास विंड पोलिनेटेड फ्लावर में चांसेस कम होते हैं, इसलिए स्मॉल नंबर में सॉरी लार्ज नंबर में और फैदरी होते हैं ताकि आसानी से उड़ के जा सके, ठीक है। तो स्मॉल नंबर प्रोड्यूस हैवीली एंड स्टिकी, हैवी होंगे यानी कि भारी होंगे और साथ स्टिकी होंगे ताकि आसानी से इंसेक्ट की टांगों के ऊपर परों के ऊपर या कोई और एनिमल है उसकी बॉडी से अटैच हो सके। और दूसरे जो है वो क्या होंगे, लार्ज नंबर प्रोड्यूस लाइट विथ स्मूथ सरफेस so can they can easily fly to in air and to reach to their destination which is the stigma of the flower. next is stigma class jo stigma hote hain jo hamare paas
इंसेक्ट, यानी ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो पिन हेड शेप्ड होते हैं विद नो ब्रांचेस, पिन हेड शेप नो ब्रांचेस सिंपली होते हैं। लेकिन जो विंड पोलिनेटर फ्लावर्स होते हैं इसकी बात करें तो क्लास इस तरह से बिल्कुल ऐसे पिन हेड शेप, जबकि जो इसके स्टिग्मा होंगे वो कैसे होंगे, वो ब्रांचेस बना रहे होंगे ताकि जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसको आसानी से कैच कर सके। तो उसके बाद है जी क्लास इंसेक्ट पोलिनेटर फ्लावर्स की एग्जांपल्स हैं बटरकप, रोज, वॉल फ्लावर और ऑर्चिड प्लांट जो है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, इंसेक्ट पोलिनेटर फ्लावर्स की। और ग्रासेस, हेजल और विल्लो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द विंड पोलिनेटर फ्लावर्स। तो ये आपने अच्छी तरह से याद करना है क्लास। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।